नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि तमाम स्टेट्स में, तमाम ड्यूटीज़ में आप लोगों की पुलिस की भर्तियां आ चुकी हैं। आखिरकार दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आई है, तो दिल्ली पुलिस में कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, काफ़ी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को क्लियर करवा दें कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म जो है वो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे भी लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लड़के और लड़कियाँ दिल्ली पुलिस का फॉर्म लगा सकते हैं। लाइसेंस का चक्कर बन रहा है, लाइसेंस के बारे में बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डाटा डिटेल इस 2 मिनट की वीडियो में बता देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का पूरा नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाई के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप लोगों को बता दें कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके फॉर्म आपके 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और ये फॉर्म 30 सितंबर तक ही लगेंगे। लास्ट में आपको बता दें कि फॉर्म वगैरह फिल नहीं होता, क्योंकि लास्ट में साइट वगैरह काम नहीं करती। अभी भी फॉर्म फिल कर रहे हैं बट उसका प्रिंट नहीं निकल रहा, बट स्टेटस चेक हो रहा है कि फॉर्म सक्सेसफुल है। तो ये आप लोगों को हम थोड़ा सा बता दें डिटेल्ड, तो आप लोगों को बता दें कि ये फॉर्म इसकी वैकेंसी है। वैकेंसी तो 7547 है। जिस बच्चे ने अभी तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल नहीं किया है, लड़का या लड़की 12वीं पास है, 18 से 25 साल जनरल की उम्र है, तो वह फॉर्म फिल जरूर करवाएँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर 9682-30-56-11, जब आपको टाइम है वह अपने डॉक्यूमेंट भेज के फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। बाकी बात करें, पूरा डाटा बता दिया। अभी इसका रिटर्न एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम सांबा और जम्मू में इसका होने वाला है। तो सांबा और जम्मू में आपका रिटर्न रहेगा, तमाम बच्चों को हम बता दें। तो बाकी बात करें हम, रिटर्न का भी हो गया। उसके बाद बात करें हम तो दौड़ वगैरह जो है वो जब होगी आपको बता देंगे। तो इसका रिटर्न नवंबर महीने में होगा, ठीक है। शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होगा। सांबा और जम्मू में सेंटर है इसका, तो दो आप लोगों को श्रीनगर में भी सेंटर है, वो लगवाता है, बट आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका दौड़ वगैरह फिजिकल रहेगा, 2-3 महीने लग जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं लाइसेंस, तो लाइसेंस जो है वो लड़कों को चाहिए, मोटरसाइकिल बाइक का लाइसेंस चाहिए। जो लाइसेंस तब चाहिए जब आपकी दौड़ होगी, ठीक है। फॉर्म फिल हो जाएगा ऐसे ही बिना लाइसेंस के, और रिटर्न भी आप लोग दे लेंगे जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आता है। अगर रिटर्न पास हो गया तो आप लोग लाइसेंस 1-1.5 महीने में बना सकते हैं। तो आप लोग लाइसेंस आप लोगों को बता दें 1 महीने में भी बन जाता है, ड्राइविंग नहीं आती है तो 1-1.5 महीने में सीख भी जाता है बंदा, तो इसलिए कोई इशू नहीं। आप लोग फॉर्म फिल करें, हमारा काम अपडेट करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे, आपको पैटर्न के बारे में पता लगेगा, एग्ज़ाम के लेवल का पता लगेगा। तो उसके बाद आप लोगों को पता है आने वाले समय में जेके पी वगैरह की भर्ती भी आने वाली है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।